देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। जिस तरह से जरांगे से आपकी मुलाकात हुई, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, असेंबली के जरांगे पाटिल भी इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं, और जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट मराठवाड़े का देखा जाए, मुस्लिम मराठा के साथ में खड़े हुए थे और इस वजह से चुनाव के नतीजे कुछ अलग आए थे, तो उनकी कोशिश है कि मुस्लिम अपने साथ में रहे, तो कल के मीटिंग में इसको पॉलिटिकल दर्जे से कुछ देखा जाए, कुछ ऐसी चर्चा हुई या जरांगे पाटिल ने कुछ आपसे? मैंने अभी आपको बताया कि मैं सामाजिक भाईचारे तक अपने आप को सीमित रखता हूँ। मैंने उसी विषय पर उनसे बातचीत की है और उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाई इस बारे में कि सामाजिक तौर पर हम कैसे एक दूसरे से करीब आ सकते हैं, गांव के लेवल पर, मोहल्ले के सतह पर एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना जुलना, दुख सुख में शरीक होना, एक दूसरे का दर्द बांटना। मैं इससे आगे नहीं बढ़ा, मैंने जो कुछ बातचीत की है वो इसी एरिया के अंदर। थैंक यू। मुल्क के हालात जो चल रहे हैं आज, उस पर क्या करना चाहिए थोड़ा सा? एक देखिए, मुल्क के हालात का एक तो नेगेटिव रुख है, वो सबके सामने है, लिंचिंग हो रही है, मस्जिद बुलडोज जस्टिस एक अजीब तरह का आ गया है जो कोई कानून इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं पॉजिटिव रुख देखता हूँ। मुल्क में जब 2014 में ये सरकार दिल्ली में आई थी तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं आई थी, वो 15 लाख रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में जाएंगे इस वादे पर आई थी, 2 करोड़ जॉब मिलेंगे हर साल नौजवानों को इस वादे पर आई थी, किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी इस उम्मीद पर आई थी। जब 2019 में कोई वादा पूरा नहीं हुआ तो वो फिर पुलवामा का ड्रामा उन्होंने मैनेज किया और उसके ज़रिए से कौम पर एक ख़ास मिजाज आया, और अब जब 2024 में ना पुलवामा हो सका, ना 15 लाख, ना किसानों की दुगनी आमदनी और ना 2 करोड़ जॉब, तो अब उन्होंने क्या किया कि वो कांग्रेस जो है वो मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएगी और मुसलमानों को दे देगी, तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस खोल कर ले जाएगी और वो एक भैंस मुसलमानों को दे देगी। यानी सर्व शर्म से झुक गया कि इंडिया जैसी डेमोक्रेसी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतनी घटिया दर्जे की बातें कर रहा है। वो क्यों किया उन्होंने? फ्रस्ट्रेशन की वजह से किया, इसलिए कि उन्होंने देखा कि हिंदुत्व काम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जनता ने हिंदुत्व को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, दलित नाराज है, लिंगायत नाराज है, जो बुद्धिस्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो नाराज हैं, जो आदिवासी हैं वो नाराज हैं, जो सिख हैं वो नाराज हैं, मणिपुर के बाद क्रिश्चियंस भी बहुत बुरी तरह परेशान हैं। कौन है जो इस देश में इस वक्त, अगर पिछले लोकसभा के इलेक्शन में भी 79 सीट्स पर EVM का खेल न हुआ होता तो आज मौजूदा सरकार अपोजिशन में बैठी होती। ये इस इलेक्शन में भी ये बात सामने आ गई, हरियाणा के इलेक्शन में बात सामने आ गई कि जिन मशीनों से BJP को मेजोरिटी मिली है उसमें 99% बैठी थी, और जिन मशीनों से कांग्रेस को मेजोरिटी मिली है उसमें 60-70% बैठी थी। व्हाट डज इट मीन? तो ये खेल हो रहा है हमारे देश में डेमोक्रेसी के साथ। लेकिन जैसी जैसी अवेयरनेस बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कि इसको भी रोकने की जिम्मेदारी समाज के लोगों को भी उठानी पड़ेगी। पॉलिटिकल लीडर्स किससे मैं अपील करता हूँ कि वो पोलिंग के दिन ये न समझें कि हमारा काम ख़त्म हो गया बूथ मैनेजमेंट के बाद, उनको स्ट्रांग रूम की हिफाजत के लिए भी डट कर सामने आना पड़ेगा, क्योंकि खेल स्ट्रांग रूम में हो रहा है। आपने कहा कि देश में ये सब चल रहा है, महाराष्ट्र में भी विशालगढ़ वाला मामला सामने आया था, यहाँ पे भी BJP की सरकार है, कैसे देखते हैं? उनका एजेंडा भी है, उस पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, वो तो उनके पास और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि लड़ाओ, डिवाइड करो और रूल करो।
लेकिन देश के अवाम अब पहले के मुकाबले में अवेयर होते चले जा रहे हैं, मुझे देश के अवाम से अच्छी उम्मीद है। ओके, जज़ाकअल्लाह।